Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज ईश्वर की प्रेजेंस में, अपने गाइड्स की प्रेजेंस में मैं ये चेक करने वाली हूं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है. सो पाइल सिलेक्शन से पहले अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और तीन डीप ब्रेथ्स लीजिए ताकि आप खुद को रिलैक्स कर पाए. रिलैक्स कीजिए खुद को और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए जो भी एनर्जी आपके लिए है आप उस एनर्जी का चुनाव कर पाए. अपने आईज ओपन कीजिए. पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं. एक ये येलो कलर की कैंडल है और एक ये पिंक कलर की कैंडल है. दोनों कैंडल्स को बड़े ध्यान से देखिए और अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको गाइडेंस दे. आंखें बंद करने पर जो भी पाइल आपको नजर आएगी आप उस पाइल की सिलेक्शन कर सकते हैं. येलो इज पाइल नंबर वन एंड पिंक इज पाइल नंबर टू. तो आप देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर वन ये येलो कलर की कैंडल चूज की है, ईश्वर क्या बताना चाहते हैं. आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए इसलिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो मुझे गाइड करें कि मैं कंप्लीटली ये एनर्जी आप तक पहुंचा पाऊं. आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है. डिवाइन प्लीज गाइड अस. आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में सिचुएशन ठीक नहीं है. आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्टैंड ले रहे हैं. आपके पार्टनर को यूनिवर्सल फोर्सेस हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले सके इस रिश्ते के लिए. जो रिश्ता आपके और उनके बीच है वो उस रिश्ते के लिए भी स्टैंड ले सके. आपके पार्टनर ने अपने आप को इस थर्ड पार्टी से कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया है. आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं. आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं. वो अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं वो इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं. ऑन द अदर हैंड ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है पर आपके पार्टनर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. आपके पार्टनर जागरूक हो गए हैं. आई थिंक आपने अपने पार्टनर को एनर्जी की टर्म्स में बहुत हील किया है जो वो इतनी बैलेंस्ड फॉर्म में नजर आ रहे हैं. अगर हील नहीं किया है तो इस एनर्जी को देखकर खुद को एंटरटेन मत कीजिएगा बिकॉज यहाँ पर ये जो पैशन ये जो फ्लेम नजर आ रही है ये तभी मुमकिन है अगर आपके पार्टनर एनर्जी की टर्म्स में हील हुए हैं. आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कम्युनिकेशन गैप बन रहा है. ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर
अपनी बातों को आपस में शेयर नहीं कर रहे हैं और ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा पेन में है। आपके पार्टनर के सामने ये थर्ड पार्टी अपने इमोशंस रख रही है, बट आपके पार्टनर अपने इमोशंस को आपके सामने व्यक्त करने के लिए तैयार है। आपके पार्टनर ने एक वॉल क्रिएट कर ली है। आपके पार्टनर ने अपने अराउंड एक वॉल ऐसी क्रिएट की है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के एक्शंस को समझ नहीं पा रही है। आपके पार्टनर अब फेयर डिसीजंस बनाना चाहते हैं। वो अपनी जिंदगी में एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो डायरेक्शन आप हैं। इसके लिए आपके पार्टनर ने अपने चुनाव को बिल्कुल स्पष्ट कर लिया है। आपके पार्टनर आपके साथ अबंडेंस चाहते हैं और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अबंडेंस चाहती है, जो कि इस थर्ड पार्टी को नहीं मिलेगी। ये थर्ड पार्टी जो भी पुराने टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही थी, वो सेम तरीके आज भी इस्तेमाल कर रही है, बट मैं तभी कह रही हूं कि आपने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट किया है, आपने अपने पार्टनर को हील किया है कि आज उनकी एनर्जीज इतनी ज्यादा बैलेंस में नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, ये डिसीजन उन्होंने कंप्लीटली बना लिया है। आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। आपके पार्टनर की एक बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर नजर आ रही है। वो अब इस थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है और ये गाइडेंस, ये चेंजेस आपके एफर्ट्स की वजह से ही आए हैं, क्योंकि उनको जो अब गाइडेंस मिल रही है वो डिवाइन के थ्रू मिल रही है, तो आपने सही वक्त पर सही एक्शन लिया है। इस वजह से आज के टाइम पर यूनिवर्सल फोर्सेस आपके इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए आपकी मदद कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी किसी भी कीमत पे आपके पार्टनर को खुद से अलग नहीं होने देना चाहती है, बट आपके पार्टनर ऑलरेडी इस थर्ड पार्टी से अपने मन से अलग हो चुके हैं। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी को एक कॉम्प्रोमाइज बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में कोई रिश्ता निभाना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर को यूनिवर्स ने एक रास्ता दिखा दिया है कि किस तरह से वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं और धीरे धीरे आपके पार्टनर सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं एंड आपके पार्टनर अपनी सारी चीजें आपके साथ अब शेयर करने वाले हैं। बहुत जल्द कम्युनिकेशन में आप दोनों आएंगे। इस थर्ड पार्टी का जो चैप्टर है आपकी जिंदगी से ओवर होने वाला है, क्योंकि बहुत जोर अभी भी ये थर्ड पार्टी लगा रही है। आपके पार्टनर को अपने पास रखने के लिए, आपके पार्टनर के डिसीजन को बदलने के लिए, लेकिन आपके पार्टनर का डिसीजन बदलने नहीं वाला है। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में ये जो डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी है, इससे बाहर निकलना चाहते हैं और वो धीरे धीरे बाहर निकल भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक डीप कनेक्शन डिवाइन के साथ भी एस्टैब्लिश किया है। आपके पार्टनर अपनी प्रार्थनाओं में आपको ईश्वर से मांगते हैं और इस थर्ड पार्टी से छुटकारा भी मांगते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी उनकी जिंदगी से चली जाए। वो हर्ट किसी को नहीं करना चाहते हैं,
वो गलत शब्दों का इस्तेमाल अब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अवेकनिंग आपके पार्टनर की भी हुई है, तो इसलिए वो किसी गलत शब्द का चुनाव नहीं करना चाहते हैं, बट वो अपने दिल से चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी उनकी जिंदगी से चली जाए, जिसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा बैलेंस की सिचुएशन अटेंड कर चुके हैं और बहुत पेशेंटली वो अपनी एनर्जीज के ऊपर काम कर रहे हैं। वो आपको पाने के लिए बहुत धीरे धीरे, बहुत पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ उन लोगों के पार्टनर्स के अंदर आया है जिन्होंने अपने पार्टनर की हीलिंग गो थ्रू की है, क्योंकि यहाँ पर बार बार एनर्जी चेंजेस नजर आ रहे हैं और ये यूनिवर्सल एनर्जी चेंजेस नहीं है। ये एनर्जी चेंजेस आपने अपने पार्टनर के अंदर किए हैं, आप उनके अंदर ये बदलाव लेकर आए हैं एनर्जी की टर्म्स में। और अब आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में प्रॉस्पैरिटी चाहते हैं, लेकिन आपके साथ उनकी जिंदगी का एक लक्ष्य है कि वो आपके साथ अब रहना चाहते हैं, उनकी प्रायोरिटी आप हैं। अब वो किसी टेम्पटेशन में नहीं फंसना चाहते हैं, वो किसी थर्ड पार्टी एनर्जी को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, और उन्हें गाइडेंस इस चीज के लिए मिल रही है, उन्हें रास्ता इस चीज के लिए निरंतर मिल रहा है। हो सकता है इस वैलेंटाइन पर आपके पार्टनर आपके साथ एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करें और वो अपने दिल के जज्बात आपसे क्लियरली कह दें, बिकॉज उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, बहुत कुछ वो आपको कहना चाहते हैं और वो आपको दिखाना चाहते हैं वो कितना बदल गए हैं। और ये थर्ड पार्टी अब आप दोनों की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहां पर मुझे आपके पार्टनर प्रोटेक्टेड भी नजर आ रहे हैं। यही रीजन होता है जब मैं एनर्जेटिक हीलिंग की बात करती हूँ कि एक प्रोटेक्शन जरूरी है। जब एक प्रोटेक्शन लग जाती है तो इंसान जो थर्ड पार्टी है वो एफर्ट तो करती है, लेकिन कोई असर उस तरह से नहीं होता है। और सेम वे यही चीज अब आपके पार्टनर के साथ हो रही है, ये बहुत कंप्लीटली यहाँ पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर बदल रहे हैं, बदल गए हैं मैं कहूंगी, और वो आपकी फेवर में चेंज हुए हैं इस बार। पहले भी आपके पार्टनर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आई थी जो कि आपके अगेंस्ट थी। आज के टाइम पर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप प्लीज इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा। और वही लोग इस एनर्जी को क्लेम करें जिन्होंने अपने पार्टनर को एनर्जी की टर्म्स में हील किया है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वहाँ के लिए भी मिलती रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में हेल्प करती हैं, और मैं अपनी एंजेलिक गाइडेंस भी उसी चैनल पर रोज़ रात 8 बजे पोस्ट करती हूँ।
सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 ये पिंक कलर की कैंडल चूज की है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। जब तक मैं कैंडल को लिट कर रही हूँ, आप अपनी आईज क्लोज करके डिवाइन से प्रार्थना कीजिए कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को आप तक कम्प्लीटली पहुंचा पाऊँ, मैं आपको कम्प्लीटली गाइड कर पाऊँ कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। सो लेट्स सी नाउ। ओके, आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने की, क्योंकि वो जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन में ट्रैप हुए हैं वहां पर उनका दम घुट रहा है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से खुश नहीं है और बीच बीच में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जीज, ब्लैक एनर्जीज का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को जितनी भी जागृति होती है वो दोबारा से उसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं, वो दोबारा से उसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। आपके पार्टनर अपनी सिचुएशन से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो इस थर्ड पार्टी के बिहेवियर से भी इरिटेटेड हैं, लेकिन वो सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपकी जज्बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, वो इस सिचुएशन में ही नहीं है कि वो कोई फैसला ले पाए, वो कोई अपनी लाइफ का डिसीजन बना पाए। आपके पार्टनर एक एक्शन लेना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, वो ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, वो ये सब बातें थर्ड पार्टी से कर देते हैं, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी उन्हें बैलेंस में ही नहीं आने दे रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जीज का कंटिन्यूसली इस्तेमाल कर रही है, और ये इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है मैंने एक वीडियो बनाई है ब्लैक मैजिक के ऊपर, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पर क्लिक करके चेक कीजिएगा कि किस तरह से ये ब्लैक मैजिक किया जाता है। एंड सिमिलरली यहाँ पर वही चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर कंटिन्यूसली डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि कोई इंसान बीमार हो तो उसको मेडिसिन देकर ठीक किया जाता है, यहाँ पर ये इंसान ठीक है और इसे स्लीपिंग पिल्स देकर, एक ये जो ब्लैक एनर्जी है ये एक स्लीपिंग पिल का काम कर रही है, जिससे आपके पार्टनर की जो कॉन्शियसनेस है वो सोती हुई नजर आ रही है। आपके पार्टनर तभी कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, इतनी पेन में होने के बावजूद भी आपके पार्टनर इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और ये स्लीपिंग पिल उन्हें कंटिन्यूसली दिया जा रहा है। आपके पार्टनर के लिए उनकी जिंदगी अपसाइड डाउन हो गई है। आपके पार्टनर आपको याद करते हैं, रातों को याद करके आपको रोते भी हैं, वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी है, इस सिचुएशन से आपके पार्टनर मूव ऑन करना चाहते हैं, वो अपने डार्कर साइड
से लाइटर साइड की तरफ को मूव करना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस थर्ड पार्टी की नज़र उनके ऊपर कंटिन्यूसली बनी हुई है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं, जो उनके डिज़ायर्स हैं, वो बिखर रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर जज्बा है अपने रिश्ते को या फिर अपनी लाइफ को ठीक करने का आपके साथ, लेकिन उन्हें डायरेक्शन ही नहीं मिल रही है। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कंप्लीटली ट्रैप हो गए हैं, और ये उन्हें जब वो अकेले में होते हैं, इस थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से थोड़ा सा डिसकनेक्टेड होते हैं, तब उन्हें ज्यादा महसूस हो रहा है। वो इस थर्ड पार्टी को चाहते हुए भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में जो रिश्ता है, वो इस थर्ड पार्टी ने ब्लैक एनर्जी के बेसिस पे बनाया है, और उस रिश्ते को, उस फाउंडेशन को ये ब्लैक एनर्जी से ये थर्ड पार्टी स्ट्रांग कर रही है, जबकि ये ऐसे स्ट्रांग नहीं हो सकता। बट जब तक आपके पार्टनर इन एनर्जी से नहीं निकलेंगे, तब तक ये ब्लैक एनर्जी चलेगी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली हो रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि कभी तो इसका अंत आएगा। जिस इंसान को इस चीज में मजा आने लगा है कि आपके पार्टनर एक एक्शन इस थर्ड पार्टी के लेने के बाद इस थर्ड पार्टी के साथ स्टेबल हो गए हैं, इस थर्ड पार्टी ने एक छोटा सा ही तो एक्शन लिया है कि ये ब्लैक एनर्जी का सहारा लिया और उसके बाद स्टेबल हो गए हैं, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं। इस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग ये आपके पार्टनर की स्टेबिलिटी है, तो इस थर्ड पार्टी को इस चीज में मजा आने लगा है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इस तरह से रिलीज नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर को वापस चाहते हैं, अपने तक चाहते हैं, या आप उनके दर्द को समझ पा रहे हैं, तो आपको अपने पार्टनर को एनर्जी की टर्म्स में हील करना होगा। आपको अपने पार्टनर को इन ब्लैक एनर्जी से बाहर निकालना होगा, और ये चीज़ आप खुद ब खुद नहीं कर सकते हैं। तभी मैंने आपको कहा है कि आप उस वीडियो को देखिए, आपको उस वीडियो से समझ आएगा कि किस तरह से डार्क एनर्जी होती है और किस तरह से आप जब उसमें मैनिफेस्टेशन करते हैं तो रिजल्ट क्यों नहीं आता है। आपकी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट इसमें नहीं आएगा। आपको आपके पार्टनर की हीलिंग की ज़रूरत है। आप जिस पर भी बिलीव करते हैं, आप उस पर्सन से अपने पार्टनर की हीलिंग करवा सकते हैं। अगर मुझसे आप इस तरह की हेल्प की उम्मीद रखते हैं, तो पहले आपको आपके पार्टनर की एक रीडिंग लेनी होगी। रीडिंग में मैं ब्लॉकेजेस चेक करूँगी और फिर हीलिंग का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आपके पार्टनर इस टाइम पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इस सिचुएशन में किस तरह से फंस गए हैं। उन्होंने इस थर्ड पार्टी के साथ इसलिए मूव ऑन नहीं किया था, मतलब वो उसके साथ एक रिश्ते में इस वजह से नहीं आए थे कि आज वो इस पेन से गुजरेंगे, लेकिन फैक्ट यही है कि आपके पार्टनर इस पेन से गुजर रहे हैं। इस थर्ड पार्टी को अपना ये जो एक्शन है, ये गलत नहीं लगता है। और आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे ये मत पूछिएगा कि मैम इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा नहीं मिलेगी। देखिए, हर इंसान को उसके कर्मों की सजा मिलती है, लेकिन ये आप और मैं कोई भी नहीं होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि ये सजा कब मिलेगी। हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपकी कोई पुरानी कार्मिक हो, ठीक है। तो उस केस में ये सजा वाली बात नहीं होगी, उस केस में ये आपका पुराना कार्मिक साइकिल है जिसे आपको एंड करना होगा। आपके पार्टनर कोशिश करते हैं इस सिचुएशन से निकलने की। ऐसा मत सोचिए कि वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इस सिचुएशन से निकलने की, बट वो इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं। वो जब भी ऐसी कोई कोशिश करते हैं, वो दोबारा से हार जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि वो किस तरह से आप तक पहुंच पाएंगे। उन्हें कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रही है। आपके पार्टनर डायरेक्शनहीन है, क्योंकि आपके पार्टनर के सभी रास्ते इस थर्ड पार्टी ने कंप्लीटली बंद किए हुए हैं।
आपके पार्टनर अपने करियर की स्टेबिलिटी के लिए भी कोशिश करते हैं, इवन आपके पार्टनर की करियर में प्रॉब्लम आ रही है, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, पर इस थर्ड पार्टी को अगर मतलब है तो सिर्फ इतनी सी बात से कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ हमेशा होने चाहिए, और वही यहाँ पर हो रहा है। ये थर्ड पार्टी ब्लैक एनर्जी के सहारे आपके पार्टनर को अपने से दूर नहीं जाने दे रही है। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में अभी तक सिचुएशन ऐसी है कि आपके पार्टनर एक पपेट का रोल प्ले कर रहे हैं और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंप्लीटली कंट्रोल कर रही है। इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है दोनों के बीच में, और आपके पार्टनर अगर चाहें भी तब भी वो आप तक नहीं आ पाएंगे। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी से सैटिस्फाइड नहीं है, वो इस थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, बट वो एक ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं कि उनसे बाहर निकला भी नहीं जा रहा है। सिचुएशन ये बन गई है। आपके पार्टनर अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर बहुत चिंतित भी रहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो आपके साथ होते तो उनका फ्यूचर किस तरह का होता, और आज वो इस थर्ड पार्टी के साथ हैं तो उनका जो आज प्रेजेंट है वो कितना खराब हो गया है। इतनी सोच तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को है। देखिए, आप कमेंट सेक्शन में ये चीज भी मत कहिएगा कि मैम वो कोई बच्चे तो नहीं है। जो इंसान इस डार्क एनर्जी में फंसता है उसको खुद नहीं समझ आ रहा होता है कि वो जिंदगी में अब करे तो करे क्या। ठीक है, सो अगर आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं, आपको अपने पार्टनर को एनर्जी की टर्म्स में हील करना ही होगा। अदरवाइज आपके पार्टनर इसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाएंगे और उनकी हेल्थ बहुत बुरी तरह से डिटेरियरेट होने वाली है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो आल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं उस चैनल पर कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में हेल्प करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस भी उसी चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।